रविवार को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर दी, जिससे वरुण गांधी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने पीलीभीत से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। जितिन प्रसाद के उम्मीदवार बनने के बाद इस सीट से वरुण गांधी का पत्ता कट गया। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होंगी, इसके लिए 27 मार्च 2024 को नामांकन का आखिरी दिन रखा गया है। सोमवार को जब जितिन प्रसाद पीलीभीत पहुंचे और दो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो उस समय भी वरुण गांधी गायब रहे, वो नजर नहीं आए। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि वरुण गांधी अब क्या करेंगे। दरअसल ये सवाल भी इसलिए क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार ऐलान करने से पहले ही वरुण गांधी ने नामांकन के लिए 4 सेट में पर्चे खरीदे। माना जा रहा है कि वरुण ने चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। हालांकि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि वरुण निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करते हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक सपा प्रत्याशी ने वरुण गांधी को ऑफर देकर रखा है कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो मैं उनके लिए अपनी सीट खाली कर दूंगा। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार भगवंत सरन गंगवार ने कहा था कि अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे तो मैं उनके लिए अपनी सीट खाली कर दूंगा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में वरुण गांधी से जुड़ा उनसे सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो उनके मन में और दिल में रहेगा। ऐसे में वरुण गांधी सपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब जरा तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि वरुण समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि भगवंत सरन गंगवार ने सीट खाली करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। ऐसे में अगर वरुण चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें अपना समर्थन देते हुए प्रत्याशी वापस ले सकती है और उन्हें टिकट थमा सकती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।